हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मिनी सनफ्लावर प्लांट के बारे में। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर हैं मिनी सनफ्लावर के, और ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से सनफ्लावर के फ्लावर्स, क्योंकि जब भी ये खिलते हैं बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं येलो कलर की फ्लावर्स। ये मिनी सनफ्लावर की फ्लावर्स हैं और बहुत ही सुंदर सा लुक दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी मिनी सनफ्लावर के प्लांट पर मेरे, आप देख सकते हैं। और इनका साइज बहुत छोटा होता है पर बिल्कुल सनफ्लावर जैसा लगता है, जो बड़ा सनफ्लावर होता है बिल्कुल वैसे ही लगते हैं पर साइज इनका बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें मिनी सनफ्लावर बोलते हैं। इनके साइज की वजह से ही इसे मिनी सनफ्लावर कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत से फूल हैं ये, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मिनी सनफ्लावर को अपने घर पर कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से आप इसकी केयर करके इससे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मिनी सनफ्लावर के जो फूल हैं बिल्कुल सनफ्लावर जैसे हैं, जैसा कि बड़ा सनफ्लावर होता है ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस साइज इनका बहुत छोटा होता है इसलिए इन्हें मिनी सनफ्लावर कहा जाता है। और इसको लगाने का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पौधा है फ्लावरिंग खूब भर भर के होती है, इसमें फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, इतने खिलते हैं बिल्कुल पूरा जो पौधा है वो फूलों से भर जाता है और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं इसके फूल, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर होते हैं। तो इस पौधे को लगाने के लिए ये जो फ्लावर्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी में ही सीड फॉर्मेशन होता है, इसी में सीड बनते हैं और इन्हीं सीड की हेल्प से हम एक नया सनफ्लावर का प्लांट लगा सकते हैं। तो जब ये फूल सूख जाएंगे मिनी सनफ्लावर के, तो इसी में सीड बनेंगे जिससे हम इसके सीड को लेकर एक नया पौधा लगा सकते हैं। तो आप इसको, इस पौधे को अपने घर पर सीड की हेल्प से लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेंडर स्टेम है और इसके स्टेम से ये पौधा नहीं लगता, इसे लगाने के लिए सीड ही यूज़ करना पड़ते हैं। तो आप इसे सीड की हेल्प से बहुत ही आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। जब ये पौधा लग जाता है तो स्टार्टिंग में आप इसकी केयर के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से इसको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं और न्यूट्रिशन की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं कितने सारे खूबसूरत से फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है। तो आपको इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करना है, इसके अलावा वाटरिंग का ध्यान रखना है। वाटरिंग का ऐसा कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है कि आपको रोज़ाना वाटरिंग करना है या फिर बहुत ज़्यादा वाटरिंग करना है, 3 डेज़ में 1 टाइम अगर आप वाटर डालते हैं तो इस पौधे के लिए इनफ है, इतनी कोई खास वाटरिंग की नीड इसकी नहीं होती है। ये अगर आप 3 डेज़ में 1 टाइम वाटर भी इसमें डालेंगे तो वो भी इसके लिए इनफ है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र भी आप इसमें 2 मंथ में अगर 1 टाइम भी डालते हैं तो इसके लिए इनफ है, रेगुलर फर्टिलाइज़र की नीड इस प्लांट को नहीं होती है। और अगर धूप की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो और ना ही बहुत ऐसी जगह हो जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट ना हो, तो सेमी शेडेड एरिया में आप इसको रख सकते हैं, जहाँ पर इससे इसकी ज़रूरत के हिसाब से सनलाइट प्रोवाइड हो जाए ऐसी एरिया में रखें, ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ कर सके, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स अभी इस पर खिले हुए हैं। और जब प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिशन मिलते हैं तभी वो अपने अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और तभी उसमें से आप अच्छी फ्लावरिंग को ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो आप भी मिनी सनफ्लावर के प्लांट को अपने घर पर लगा सकते हैं, उसकी केयर कर बहुत सारे फ्लावर्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर बहुत ही अच्छा लुक देते हैं और प्लांट इतना सुंदर है, इसकी फ्लावरिंग भी इतनी अच्छी है कि जहाँ पर भी लगाएंगे आप गार्डन की शोभा बढ़ा देगा। तो इस पौधे को अपने घर पर लगाएं और अपने बगीचे की खूबसूरती को चमका दीजिए, बहुत ही अच्छा पौधा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।